फ्रेंड्स, तो आज मैं लखनऊ आया था और मैं अब गोरखपुर जा रहा हूँ, जो कि मेरा कॉलेज है गोरखपुर में। तो मैं वहाँ जा रहा था, तो आज मैं सोचा कि आज वंदे भारत से जा रहे थे तो वंदे भारत का एक बार ब्लॉग बनाते हैं। तो देखो, ये है वंदे भारत और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है, इसलिए मैं बाहर से ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन जो भी दिखा पा रहा हूँ इस समय देख लो, वंदे भारत खड़ी है। ये लखनऊ में मैं हूँ। अभी अंदर जाऊँगा, फ़ोन चार्ज लगाऊँगा, उसके बाद तुमको दिखाऊँगा आगे कि अंदर कैसा है इंटीरियर। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे वंदे भारत ट्रेन का समय हो चुका है और ये रहा गेट, चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि क्या कुछ अंदर का इंटीरियर है वंदे भारत का। तो देख सकते हो भाई, ये कितना क्लीन है यहाँ पे। और ये बाथरूम देखो भाई, बाथरूम भी हम लोग का रेलवे से हमेशा शिकायत रहती है बाथरूम गंदा है, लेकिन देखो बाथरूम एकदम सच में भाई साफ़ सुथरा है। और बाथरूम ही नहीं, आप यहाँ के नॉर्मल गैलरी को भी देख सकते हो, वो भी कितनी साफ तरीके से रखा गया है। सीटिंग भी देखो भाई, एकदम अच्छे से कवर्स हैं, लगे हुए हैं, बिल्कुल मतलब गंदगी कहीं नहीं देखोगे आप, हर जगह साफ़ सफाई है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग आ चुके हैं अपनी सीट पर और ये कुछ रहा है हमारे वंदे भारत का जो मोदी जी द्वारा चलाया गया है। इसमें सीटिंग आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से रखा गया है और साफ़ सुथरी सफाई कितने अच्छे से, यहाँ पर आप बिल्कुल भी गंदगी डस्ट बिल्कुल नहीं पाओगे। पहले तो मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं फर्स्ट बार मेरी जर्नी थी, तो मैं देखा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो आपको कहीं भी सॉकेट का देखे सॉकेट ही नहीं मिले। तो मैं तो पूछ दिया कि भाई सॉकेट नहीं है क्या यहाँ पे, तक उन्होंने बताया कि सॉकेट यहाँ पे नीचे दिया होता है। तो अब हम लोग अपना फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो लगभग थोड़े आधे घंटे हो चुके थे हम लोग को ट्रेन चले हुए, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हम लोगों को स्नैक्स मिला, जिसमें कि हमें चाय और बिस्किट्स मिले थे, जो कि हमारे एक इवनिंग स्नैक्स के रूप में दिए गए थे। उसके बाद हम लोगों ने उसको खाया पिया और थोड़ी ही देर बाद हम लोगों को खाना भी मिल गया था। और भाई सच में बताऊँ तो हम लोगों को देखो भाई, अगर रियली देखा जाए तो हम लोगों को हमेशा से ये शिकायत रहती है कि नहीं, हम लोग के जो रेलवेज़ के खाने होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, मतलब बहुत मिलावट करते हैं, वो खाने लायक नहीं होते, सिर्फ तबीयत ख़राब जाती है, बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं। लेकिन सच बताऊँ भाई, तो अगर मैं अपनी फीलिंग बताऊँ आप लोगों को, तो जो ये खाना मैंने आज वंदे भारत में खाया है ना, सच बता रहा हूँ ये खाना सच में अच्छा था। और ये भाई आप बिल्कुल बेझिझक इसको खा सकते हो, क्योंकि एकदम भाई बिल्कुल इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं था या इसमें कोई वैसे प्रकार का मिलावट नहीं था, खाना सच में भाई अच्छा था, टेस्टी था।